योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका में कंपनी के दो शरबत ब्रांड की बिक्री पर रोक लग सकती है। अमेरिकी खाद्य विभाग कंपनी पर केस दर्ज और $3,00,000 का जुर्माना लगा सकता है। आपको बता दें कि कंपनी के दो शरबत ब्रांड पर अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक USFDA यानी यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने आहार और औषधि संबंधी अलग अलग दावे पाए हैं, और USFDA ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी जारी की है। और विभाग ने रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी द्वारा भारत में बेचे जाने के लिए तैयार किए गए दो शरबत उत्पादों पर लगे लेबल पर अतिरिक्त औषधि एवं आहार संबंधी दावे पाए गए हैं, जबकि अमेरिका निर्यात किए जाने वाली बोतलों पर ऐसे दावे कम थे। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू और अमेरिकी बाजारों में बेल शरबत और गुलाब शरबत के लेबल पर औषधीय और आहार संबंधी दावे अलग अलग हैं। साथ ही USFDA ने कहा कि निर्यात किए जाने वाले और भारत में बिकने वाले उत्पादों के लिए कंपनी अलग अलग उत्पादन और पैकेजिंग करती है। बता दें कि अमेरिका के खाद्य सुरक्षा कानून भारतीय कानूनों की तुलना में ज्यादा सख्त हैं, जिसके चलते विभाग कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सकता है। इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों को 3 साल की सजा हो सकती है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और विदेश से जुड़ी पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।